चलिए अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार से, एक एल्कोहल ए सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन बी देता है, बी को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक का सोडामाइड की अधिकता द्वारा विहाइड्रोजनीकरण करने पर एक नया यौगिक सी बनाता है, सी HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया कर यौगिक डी देता है। तो आइए इन यौगिकों में ए बी सी तथा डी यौगिक की पहचान करें। तो एक अल्कोहल जो सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन देता है, एल्कीन अर्थात कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो ऐसा अल्कोहल लेना पड़ेगा जिसमें कम से कम दो कार्बन हो, जिसके मध्य डबल बॉन्ड स्थापित हो सके। तो हम एथिल अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH, एक अल्कोहल ए। तो यहां पर हमने ए के रूप में एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो OH और एक हाइड्रोजन यहां से जल वाहक बनाकर पृथक हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं -H2O, इस प्रकार से -H2O, एक हाइड्रोजन यहां से और OH जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा, बचेगा यहां पर शेष CH2 NCH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से एल्कीन प्राप्त हो गया, एल्कीन डी उत्पाद है, तो यहां पर इथिलीन प्राप्त हुआ, डी उत्पाद के रूप में हमारे पास इथिलीन प्राप्त हुआ, इथिलीन ए को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया, जल का अणु निकला और बी उत्पाद इथिलीन प्राप्त हुआ। अब बी को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करेंगे, तो बी उत्पाद पर हम ब्रोमीन जल प्रवाहित करेंगे, Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन जल प्रवाहित करेंगे, तो ब्रोमीन के दो परमाणु दो कार्बन के साथ भी जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से प्राप्त उत्पाद होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो इथिलीन डाइब्रोमाइड प्राप्त होगा, इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड प्राप्त होगा, प्राप्त यौगिक आगे हमने इस प्रकार से जाना, बी को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक, प्राप्त यौगिक यह हुआ का सोडामाइड की अधिकता द्वारा वी हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं NaNH2 सोडामाइड, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करवाएंगे। तो यहां पर एक ब्रोमीन ये, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ब्रोमीन ये वाला और एक हाइड्रोजन, दो HBr का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं माइनस, यहां पर लिख सकते हैं माइनस 2HBr, इसका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा, हाइड्रोजन भी विस्थापित होगा और हेलोजन भी, यहां पर लिख सकते हैं वी हाइड्रो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों विस्थापित हो जाएंगे और यहां पर बचेगा CH और CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार से ये हमारे पास, यहां पर हमारे पास इथिलीन प्राप्त हुआ था, यहां पर हमारे पास एसिटिलीन प्राप्त होगा, एसिटिलीन, ये हमारे पास सी उत्पाद प्राप्त हो गया सी। अब आगे हम बढ़ते हैं, सी बनता है सी HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया कर डी देता है, तो अभी क्रिया करवाएंगे HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 के साथ
तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो H2SO4 का यहां से दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और CH3 बन जाएगा और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और प्राप्त उत्पाद हमारा चौथा या डी उत्पाद इस प्रकार से होगा CH3COH अर्थात डी उत्पाद है एसिटिल्डिहाइड। डी उत्पाद प्राप्त हो गया हमारे पास एसिटिल्डिहाइड इस प्रकार से। तो एक उत्पाद एक अल्कोहल कौन सा दिया एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया तो जल का अणु पृथक हो गया और बी उत्पाद बना हमारे पास एथिलीन। तो ए उत्पाद है एथिल अल्कोहल, बी उत्पाद एथिलीन, ब्रोमीन जल प्रवाहित किया और इथिलीन डाइब्रोमाइड प्राप्त हुआ, इसका भी हाइड्रोहैलोजनीकरण करवाया। तो सी उत्पाद प्राप्त हुआ हमारे पास एसिटिलीन। एसिटिलीन पर HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराई तो डी उत्पाद प्राप्त हुआ हमारे पास एसिटिल्डिहाइड। इस प्रकार से हमने ए बी सी तथा डी उत्पाद की पहचान की। धन्यवाद।